हाय गाइस, तो हम आए अपनी नानी के घर और चित्तू को दिया आते ही काम, मतलब मैं मेहमान हूँ और मैं ही चाय बनाऊंगी। तो चित्तू हमें बोल रही है कि चाय बनाना सिखाएगी। सूंघ के तो डालते हैं, पत्ती डालनी है, क्या ही होगा जो तू पत्ती के रूप में और जो तो सूंघ रही है। मेरे को अमचूर तो नहीं हुई, आप शुगर नहीं डालेंगे क्योंकि नानी को शुगर है। हेलो गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। और हम ना फंक्शंस में जा जा के मतलब परेशान हो गए। अभी भी हम फंक्शन में ही जा रहे हैं। ये जगह आपको कुछ जानी पहचानी लग रही है तुम्हें? अगर तुम मेरे रेगुलर व्यूअर हो ना तो तुम पहचान सकते हो। जब मैंने वो 40-50 वीडियो 60 वीडियो की स्ट्रीक चलाई तो उसमें जो लास्ट वीडियो थी जब मैं दवाई लेने जा रहा था अपने लिए, तो ये वो वाली जगह है, वही वाला रास्ता है जहाँ मैंने पिछली बार भी शूट किया था। ये खैरा में है, इस हम खैरा में है। खैरा जिनको नहीं पता, जो यहाँ के लोकल नहीं है, ये चित्तू की नानी के घर है और ये मेरी कजन है। तो मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है पर मैं नानी नानी करता रहता हूँ। अचानक पता नहीं बहुत ही प्लेन सा एरिया जहाँ खेत है, मतलब यहाँ स्टेप्स भी ज्यादा नहीं है जैसे हमारे हाल में ना। वो दौलत हार दिख रहा है यहाँ से। कितने फंक्शंस खाते हैं फिर पेट खराब करते हैं ना हम लोग। सही बात है। अच्छा वो है, यहाँ जा रहे हैं हम। वैसे तो आज का व्लॉग ये नहीं होना था, मतलब हमने वापस जाना था, पर हमने सोचा कौन बनाए घर जाके लंच, तो हमने सोचा आलस के चक्कर हमने सोचा ये प्रेफर करते हैं, खा पी के जाते हैं आराम से और फिर घर जाके डिनर भी फंक्शन है और स्नैक्स भी फंक्शन है, क्योंकि आज हमारी कजन का बर्थडे भी है। तो वो स्नैक्स वाला फंक्शन वो हो गया और डिनर वाला फंक्शन है किसी पड़ोस में, कुछ है पता नहीं क्या है, हमें खाने से मतलब है, शादी है शायद। कितना इरिटेट कर सकता है, मैं इसको बोल रहा हूँ जल्दी चल, देख कैसे आराम आराम से पीछे पीछे चली गई। तूने बोला नानी को पकड़, ये देख नाराज हो गई। अब देख तू मेरे को अकेला छोड़ के जा रही है, तेरे को पता है ना। बच्ची है क्या? चित्तू कैसा लगा खाना? चित्तू मुक्का बजेगा। कैसा लगा खाना? अच्छा था, 9/10। 9 क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे पनीर कम दिया था। लॉल। और इसने बोला मैं थोड़ा देना, इसको दो कड़छियां दी है। बेवकूफ से लोग। नानी को देखो। धूप का सलूशन। और इसमें चावल भरे। गरम गरम।